सो हेलो एंड वेलकम गाइस, और डॉक्टर एक्स मैन ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार वेलकम है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर विदाउट यूजिंग स्टेथोस्कोप। तो इस वीडियो पे वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, उन्होंने एक कमेंट किया था कि सर ऐसा कोई मेथड है जिसमें हम लोग विदाउट यूजिंग एनी मेडिकल इक्विपमेंट किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले सकते हैं या नहीं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि हम किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के यूज़ किए हुए कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक स्टडी हुई थी 16 सितंबर 2000 में, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ठीक है, जिसका मैं रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस आर्टिकल में जनरली जो पल्स है उसका रिलेशन ब्लड प्रेशर के कंपेरिजन में करके एक स्टडी पब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये स्टडी अप्रॉक्सीमेट 3 साल की स्टडी थी, जो कि 18 ईयर से लेकर के 79 ईयर के एज ग्रुप वाले पेशेंट्स में की गई थी, है ना। इसमें 20 पेशेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया जो कि 18 ईयर से लेकर के 79 ईयर तक की एज ग्रुप के थे। ठीक है, इन सब में एक कॉमन बात ये थी कि ये सारे जो पेशेंट थे हाइपोवोलेमिक शॉक के बाद हाइपोटेंशन में गए थे, जिनका ब्लड प्रेशर लोअर सेट था, लो ब्लड प्रेशर था। ठीक है, तो इन पेशेंट्स में ये एक स्टडी की गई थी। तो उन्होंने इस स्टडी के बेस पे क्या एक्सप्लेन किया, ये आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो इस स्टडी में जो बॉडी के डिफरेंट स्पॉट्स हैं पल्स के, जैसे रेडियल पल्स हो गया, कैरोटिड हो गया, फीमोरल हो गया, पॉपलिटियल, डॉर्सल स्पेडिस, पोस्टीरियर टीबियलिस, ठीक है। तो इन्होंने 3 मेजर पल्स साइट लिए, रेडियल, कैरोटिड एंड फीमोरल। ठीक है, तो इन्होंने 4 ग्रुप क्रिएट किए पहले। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स के ग्रुप जिनमें रेडियल आर्टरी का पल्सेशन मिल रहा है, फीमोरल आर्टरी का पल्सेशन मिल रहा है एंड कैरोटिड आर्टरी का पल्सेशन मिल रहा है। ठीक है, इसको ग्रुप फर्स्ट नाम दिया। सेकंड ग्रुप जिसमें सिर्फ कैरोटिड एंड फीमोरल आर्टरी का पल्सेशन मिल रहा है, इसको ग्रुप सेकंड नाम दिया। थर्ड ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैरोटिड का पल्सेशन मिल रहा है, इसको थर्ड ग्रुप नाम दिया। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि 83% ऑफ केसेस में जो पहला ग्रुप है जिसमें पल्सेशन जो आपका रेडियल, फीमोरल और कैरोटिड तीनों स्पॉट पे हमको पल्सेशन फील हो, तो 83% ऑफ केसेस में उन्होंने देखा कि इस ग्रुप में पेशेंट्स का जो लोअर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही हम बता सकते हैं, ठीक है, तो लोअर रेंज इन्होंने डिसाइड किया 80 mm ऑफ मर्करी का। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनमें रेडियल मिल रही, फीमोरल एंड कैरोटिड। सेकंड ग्रुप जिसमें सिर्फ फीमोरल और कैरोटिड पल्सेशन मिल रहा है, तो इसके लिए इन्होंने लोअर लिमिट तय की 70 mm ऑफ मर्करी की। थर्ड ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैरोटिड का पल्सेशन मिल रहा है हमको, कैरोटिड आर्टरी का, तो उसके लिए इन्होंने जो लिमिट तय की ब्लड प्रेशर की वो 60 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, तो इनकी ये स्टडी थी। और जो फोर्थ ग्रुप है उसमें तो पल्सेशन मिल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये इससे ये एडवर्स कंडीशन हो गई थी, मतलब सीरियस या इमरजेंसी कंडीशन थी वो, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि हम पल्स, डिफरेंट स्पॉट ऑफ पल्स से हम ये बता सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है। ये जो मेथड था, ये मेथड सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए था कि हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, मैं भी इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये मेथड जो है सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए, अगर आपको क्लासिकल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए ब्लड प्रेशर की, तो उसको उसके लिए आपको स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होगी, या और भी तरीके हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप के यूज़ से जो हमको ब्लड प्रेशर मिलता है, ठीक है, वो भी मर्करी वाला ये स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो हाँ, इस स्टडी में बाद में इनको लेकिन अप्रूवल नहीं मिला था। अप्रूवल इसलिए नहीं मिला था कि इन्होंने जो हाइपोवोलेमिक शॉक का जो ग्रेडेशन है कि किस पेशेंट को किस लेवल का हाइपोवोलेमिक शॉक है, कोई माइल्ड है, माइनर है, या बहुत ज़्यादा सीवियरली हाइपोवोलेमिक शॉक में गया। ठीक है, तो इन्होंने सबको एक ही रेंज में रख लिया था और उस पर ये इन्होंने स्टडी की थी। ठीक, मैंने खुद की प्रैक्टिस में ये देखा है, मैंने अपने सीनियरों से सीखा है। ठीक है, कि बेड साइड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते समय हम लोग मोस्टली जो हाइपोटेंसिव पेशेंट होते हैं उसमें एक बार जो उनकी डॉर्सल स्पेडिस आर्टरी है, पोस्टीरियर टीबियलिस आर्टरी है, उनका पल्सेशन चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने मोस्ट ऑफ द केस में मैंने
ये नोटिस किया है कि अगर पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का है, तब डॉर्सल स्पेडिस और पोस्टीरियर टीबियलिस, जो कि मैं ये इस डायग्राम में बता दूंगा, इन दोनों आर्टरी का पल्सेशन मिलता है। तो इस मेथड को मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसी कोई सिचुएशन है आपके पास, जब आपके पास कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, आप किसी ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, या फिर किसी ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है मतलब हेल्थ रिलेटेड, तो उस समय आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ हाइपोटेंशन की बात कर रहे हैं, है ना, कि पेशेंट को फैंटनेस है, सेमी कॉन्शियस पेशेंट है, वीकनेस है, वर्टिगो लग रहा है, तो इस कंडीशन में आप कैसे पेशेंट को डील कर सकते हैं, कि हाँ कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम हाइपोटेंशन। सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ डॉर्सल स्पेडिस और पोस्टीरियर टिबियलिस, जो कि बहुत दूर है हर्ट के लेवल से कहना चाहिए, तो हर्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है इतना एडिक्वेट है कि वो पेरिफेरल पार्ट तक की भी परफ्यूजन कर पा रहा है, ठीक है, तो ही हमको 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का ब्लड प्रेशर मिल रहा है। अगर हमने देखा ब्लड प्रेशर वहाँ पर नहीं मिल रहा है, हमको पल्स फिल नहीं हो रहा है, तो हम उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से भी कम है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए, ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है बिल्कुल। ये जो प्रेडिक्शन मेथड है ये उन पेशेंट पे अप्लाई नहीं होगा जिनको वैस्कुलर डिसीज है, ठीक है। तो जो ये स्टडी जो हुई थी, हाँ ये स्टडी का इन्हें नाम दिया था ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट रूल ऑफ 80-70-60, ठीक है, जो कि 2000 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसका अप्रूवल नहीं मिला था। तो गाइस ये था आज के लिए कि हम कैसे विदाउट मेडिकल इक्विपमेंट के ब्लड प्रेशर कैसे लग सकते हैं। तो सिर्फ पल्स प्रेशर से या फिर पल्स से हम कोरिलेट करके बीपी का एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमको मेडिकल इक्विपमेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बस ये था, अगर आपको जानना है कि एक क्लासिकल वे में, एकदम परफेक्ट वे में हम लोग ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।